हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो रिसर्च कर रहे थे पॉलिटी की, आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है उनको आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये जो प्रैक्टिस है आपके UPSC RO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन है 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, डी 25 भागों में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार देखें तो फिर 22 भागों में विभाजित किया गया, और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसमें कुल 25 भाग हो गए हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे जोड़ा गया है 21A और 4A, 9A, ये सारी चीज़ें जो जोड़ी गई हैं उन सबको मिला के 35 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, मैच करना है पहले। तो नागरिकता संविधान का भाग 2, फिर मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, फिर मौलिक कर्तव्य भाग 4A, उसके बाद में राज्य भाग 6। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का समावेश जो है वो भारतीय संविधान के 4A में किया गया है, ना कि 6A में। जो मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे 6A है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। नागरिकता भाग 2 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और राज्य जो है वो भाग 6 में है। तो फिर इस तरह सी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6A ना होके 4A होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए ऑप्शन है भाग 9, बी भाग 10 और सी भाग 11 और डी भाग 12। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, 9। भारतीय संविधान के भाग में 3 सोपानों की पंचायतें बनाने की भाग 9 में परिकल्पना करी गई है। उसके बाद में तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना करी गई है। इसके जो अनुच्छेद हैं, इस भाग में जो अनुच्छेद है वो 243 खा के खंड फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है। और ये इसके लिए जो हमारी समितियां बनाई गई थी संविधान में, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, तो इसमें से बलवंत राय मेहता समिति को हम लोग फॉलो भी करते हैं, जो त्रिस्तरीय थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में है? ए ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 1, बी भाग 11 अध्याय 2, सी भाग 12 और अध्याय 1, फिर डी है भाग 12 अध्याय 2। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से 255 और संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 आर्टिकल 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, संविधान का भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच में विधायी सह संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सूची दी गई है जिसको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है विषय और सूची सेकंड में दिया गया है संविधान का भाग। तो सूची फर्स्ट में है उपाधियों का अंत ए में, तो यहाँ पर उपाधियों का अंत जो है वो कहाँ से लिया गया है हमको बताना है। तो यहाँ पर उपाधियों का सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड, तो उपाधियों का अंत जो है यहाँ पर हो जाएगा मूल अधिकार, यानी कि जो उपाधियों का अंत है ये हम लोगों का मूल अधिकार नहीं है। उपाधियाँ लेना मूल अधिकार में नहीं आता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक जिसमें व्याख्या की गई है, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। उसके बाद में जो है सी ऑप्शन दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये हो जाएगा हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ दिया गया है, मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ दिया गया है 6 से 14 वर्ष के लिए बालकों को स्कूल भेजना हमारे माता पिता के, जो कि आर्टिकल 21 ए के द्वारा ऐड किया गया है संविधान में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 ए में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए शिक्षा का अवसर हमारा मौलिक कर्तव्य यानी मूल अधिकार बन गया है। उसके बाद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये दो में मैच करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इस तरह से जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ए ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग, बी ऑप्शन है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता जिसमें दिया है, फिर सी ऑप्शन है संविधान का चौथा भाग यानी का, और का फोर्थ का मौलिक कर्तव्य, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा। संविधान के फोर्थ का में मौलिक कर्तव्य को डिफाइन किया गया है, और संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से है, और जो उसका तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकारों से है, तथा फोर्थ जो है यानी कि चौथा फोर्थ ए भाग मौलिक कर्तव्य, फिर पांचवा भाग जो है वो संघ से संबंधित है ना कि नीति निदेशक तत्व। इस तरह सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ए ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं बताना है। तो नागरिकता जो है वो भाग दो में है सही है, फिर संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 7 में ना होकर भाग 8 में है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद में नगर पालिकाएँ जो है ये 9A यानी कि नगर पालिका 9A में है, और जो नगर पंचायत है वो 9 में है सिर्फ, और नगर पालिका 9A में, और जो निर्वाचन है वो 15 में। तो इस तरह से नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाग जो 7 है यहाँ पे 8 होना चाहिए संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन जो संविधान का भाग 7 है वो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य में यानी कि 7वें संविधान संशोधन में 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया यानी ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूचियाँ दी हुई हैं, जो कि सूची फर्स्ट है, सूची फर्स्ट दी हुई है भारतीय संविधान के भाग 9 में। 9 में आपको पता है नगर पंचायत होगा, फिर भारतीय संविधान का भाग 8 में। तो भाग 8 में क्या होगा,
संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद में संविधान का भाग 4A, 4A में आपको पता है मूल कर्तव्य है, उसके बाद में 9A में नगर पालिका। तो इस तरह से राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य और 9A नगर पालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है पंचायत, भाग 9 ये तो सही है, फिर नगर पालिका 9A ये भी सही है लेकिन 9 खा सही है, फिर सहकारी समितियां जो हैं ये 9 खा ये भी सही है, फिर जो अधिकरण है ये भाग 10 जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी राइट आंसर माना जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के जो भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, उसके बाद में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, फिर संविधान में भाग 9 का जोड़ दिया गया था, 9A मतलब जोड़ दिया गया था 1992 के द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि 9A नगर पालिका से संबंधित है। फिर 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया था 2011 में, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जो सहकारी समितियां थी ये 2011 में आई हैं और भाग 9 खा के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद में जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है, ना कि अधिकरण, और जो अधिकरण है ये भाग 14 का यानी कि 14A में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। इस तरह मेरा आंसर डी इज राइट होगा, यहाँ पे नॉट करेक्ट जो पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 9, बी 6 यानी कि फिर सी 3 और डी 4A। तो यहाँ पे 9 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान में 9 में शामिल किया गया है, शेड्यूल 9। फिर क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ए ऑप्शन 6, बी 7 और डी 8, C8 D9, तो 9th हो जाएगा, 9th शेड्यूल में पंचायती राज है और 9A में जो है वो नगर पालिका है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो इधर दिया सूची फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ए में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 भारत के संविधान में है, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान। फिर सी में दिया हुआ है संघ, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 5 भारत का संविधान। फिर आपातकाल उपबंध दिया गया हो तो यहाँ पर 18, भाग 18 भारत का संविधान। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान, फिर संघ भाग 5, आपात उपबंध भाग 18 में उल्लिखित है हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नॉट करेक्ट चूज करना है। तो मूल कर्तव्य जो है वो है भाग 4A में सही है, और राज्य जो है वो भाग 6 में सही है, फिर महान्यायवादी जो है ये भाग
13 में महान्यायवादी का उल्लेख नहीं है और इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये जो हैं भाग 14 में सही है। तो सी राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य भाग 4 ए, राज्य जो होगा वो 6 में, महान्यायवादी भाग 5 आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है महान्यायवादी का, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये दी हुई है 14 में, और भाग जो 13 है इसमें भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंधों को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सुमेलित करना है, तो भारतीय संविधान का भाग 15 किससे सुमेलित होगा, और तो फिर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित होगा, यानी 4th में मैच करेंगे हम लोग। उसके बाद में संविधान का भाग 16 जो है वो किससे संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। उसके बाद में जो है संविधान का कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आएगा हमारा 16 में। फिर संविधान का भाग 17 जो दिया गया है 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा, नहीं सॉरी 17 में राजभाषा है। उसके बाद में दिया हुआ है संविधान का भाग 18 जिसमें होगा उपबंध, भाग 18 जो है जिसमें आपातकाल उपबंध को उल्लेखित किया गया है, जो कि आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया गया है। इस तरह संविधान का भाग जो है 15 निर्वाचन, फिर भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, फिर संविधान का भाग 17 राजभाषा, आर्टिकल जो 17 है उसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है, और भाग 17 में राजभाषा भाषा को उल्लेखित किया गया है, फिर भाग जो 18 है उसमें आपातकाल उपबंध को उल्लेखित किया गया है, फिर भारतीय क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो भाग 16 इससे पहले हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, यहाँ पर हो जाएगा भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर दिया हुआ है सी में वित्त आयोग आर्टिकल 280 में उल्लेखित किया गया है, और अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं इसमें यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। तो इस तरह हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, कल हमारा टॉपिक होगा संविधान में अनुच्छेद, यानी कि संविधान में जो हमारे आर्टिकल्स को दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे कल। चलिए ये सीरीज जो है आप लोग शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।